हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अच्छा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल कल वालों ने, गुर गुर गालों ने। ये बात बैठे इनके साले सुन रहे थे। अच्छा, इनके सालों ने आके इनको पीट दिया। मुझाए जी, मैं यूपी से आती हूँ तो कहना चाहती हूँ कि तुम्हें तो फोड़ दिया। अच्छा, मिलके तुम्हारे सालों ने, कि तुम्हें तो फोड़ दिया मिलके तुम्हारे सालों ने, ससुर के लालों ने, मोहल्ले वालों ने। वाह वाह भाई वाह राधिका जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। मैडम से सबको हार माननी पड़ती है, सबका हाल यही है भाई। वाह वाह, आपका सामना कराएं और अच्छी शायरी और सच्ची शायरी आपको सुनवाने की कोशिश करें। ये कवि सम्मेलन भी है, कौमी एकता का प्रोग्राम भी है। पिछले बार आपने बहुत ढेर सारी मोहब्बतों से उनको नवाजा था और बड़ी दुआओं से नवाजा था। मेरे दोस्तों, ये वही सरजमीन है, यही वो जगह है। आज फिर आपकी मोहब्बतों की अदालत में आई है और आपकी समातों के दहलीज पे कुछ कविता सुनाना चाहती है, कुछ शेर सुनाना चाहती है। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरमा राधिका मित्तल से गुजारिश कर रहा हूँ कि मोहतरमा स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर राधिका मित्तल। आए हाय, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। इस डर से के फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले माइक पर राधिका मित्तल गाजियाबाद। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूं। बहुत ही अच्छा मुशायरा चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुखिया जी को और चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। इधर का मोहल्ला बहुत अच्छा सुनना है। नहीं, सारे मोहल्ले की खबर ले लीजिए आप, इधर भी थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। और इधर का भी अच्छा सुनना है और इधर का मोहल्ला बिल्कुल शांत है। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, कौमी एकता का ये पावन मंच और मेरी चार पंक्तियां कि क्या है यहाँ की एकता। तो चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी का ध्यान चाहती हूँ। सुने मंच का विशेष ध्यान चाहता हूँ कि जानू दिल ए बतन तुझे कुर्बान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जानू दिल ए बतन तुझे कुर्बान शान है। सारी दुनिया में तेरी अलग अलग शान है। मिलके रहते हैं हिंदू मुसलमान यहाँ। क्या बात है। मिलके मेरे हिंदुस्तान की ये पहचान है। वाह जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिंदुस्तान की ये पहचान। वाह भाई वाह वाह, तालियां भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मन से सुना आप लोगों ने, प्रणाम करते हैं आप लोगों को। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, बहुत ही नौजवान बैठे हुए हैं उनके भी कोर्स की बात करूं। आज मुजाहिद जी बड़े शांत बैठे हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के लिए कवित्री की मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर। आए हाय क्या बात है भाई वाह। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे तुम्हारे इशारे पर,
मगर तुम उस किनारे पर और मैं हूँ इस किनारे पर। वाह क्या बात है, क्या आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। जी जी, बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने आपका सब समझ चाहते हैं, आप लोग का भी ध्यान चाहते हैं, सुने। आप इधर भी फिर के शेर सुनाइए, इधर के लोग भी तवज्जो दें। जी इधर पढ़ते हूँ, सुने। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पढ़ते हूँ। बुजुर्ग कह के दिल न तोड़े। जी, नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियां उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। बुढ़ापे को हकारत की नजर से देखने वालों, ज़ईफ़ी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती। बुढ़ा ना कह भाई, बुजुर्ग ना कह भाई। नहीं, बुजुर्गों को बुजुर्ग ही कहेंगे। चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, बुजुर्गों की भी प्रेम की बात करूंगी, लेकिन जिन नौजवान है मेरा साथ देंगे, साथ देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, सुनेंगे। स्वागत। तो बैठे हुए हैं बुजुर्ग, सुने कि बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। ऐसे सुनना है कि बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे, ये जिस प्यार करते थे वो रानी भूल बैठे, अच्छा हमारे प्रेम पे अंकुश लगा देते हैं ये हरदम, मगर अपनी मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। क्या बात है भाई, वाह बहुत अच्छे मोहतरमा, वाह। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं, सुनिए। फिर पढ़ो इस शेर को, फिर पढ़ो राधिका जी, बहुत मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ, ये दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे। मर्द का काम ही है मजा लेना। पढ़ देती हूँ, सुने कि बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे, ये जिससे प्यार करते थे वो रानी भूल बैठे हैं, हमारे प्रेम पे अंकुश लगा देते हैं ये हरदम, मगर अपनी मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मोहतरमा, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ, मैं दो शेर में इसका जवाब देना चाहता हूँ कि कितने माहों साल हो गए उन बूढ़ों के नजर है जिनको ये ले रही थी अभी। कितने माहों साल हो गए हम भी पायमाल हो गए, अब वो मिलने रोज आती है जब सफेद बाल हो गए। वाह, पढ़े भाई थोड़ा सा तालियों से जिंदा करें मुशायरे को। चलिए, इनको तो बीच बीच में बोलने की बीमारी है। जी, जवाब दे दें। शौक से दीजिए, स्वागत। तो तालियां बजा दीजिए। ये जिस तरह मुझे छेड़ रहे हैं, ये उसी तरह ये शायर बहुत दूर बैठा है, किस तरह छेड़ रहे थे सुनिएगा। उस शायरा को छेड़ रहे, सुने कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अच्छा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल कल वालों ने, गुर गुर गालों ने। ये बात बैठे इनके साले सुनने थे। अच्छा, इनके सालों ने आके इनको पीट दिया। मुझाई जी, मैं यूपी से आती हूँ तो कहना चाहती हूँ कि तुम्हें तो फोड़ दिया। अच्छा, मिलके तुम्हारे सालों ने, कि तुम्हें तो फोड़ दिया मिलके तुम्हारे सालों ने, ससुर के लालों ने, मोहल्ले वालों ने। वाह वाह भाई वाह राधिका जी, वाह बहुत खूब बहुत खूब। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। मैडम से सबको हार माननी पड़ती है, सबका हाल यही है भाई। वाह 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 मोहतरमा, वाह वाह, जिंदगी बख्शी है मुशायरे को, इसके लिए तालियां भाई। जवाब पूरी रात दे सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आप मुशायरा उठाए। अरे वाह वाह, ये भाई साहब देखिए किस
अब तक किसी पर नहीं उठे हैं, बहुत पॉइंट पर उठे हैं ये, बहुत तेज आदमी है भाई। पता चलता है कि अपनी बीवी का एकलौता शौहर है जी। चलिए प्रणाम करती हूँ और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। इनायत इनायत सुने कि तुम्हारी एक नजर का तीर दिल के पार हो जाए। थोड़ी बाबा कर दीजिए आप लोग भी। हाँ इसी तरह अब निकल के आई है जिंदा दिली आप लोगों के अंदर से। सुने कि तुम्हारी एक नजर का तीर दिल के पार हो जाए। आय हाय ना देखो तुम मुझे ऐसे। अच्छा कि तुमसे प्यार हो जाए। वाह यही चाहिए। प्यार हो जाए, हो जाए। तू मेरे सामने आकर झिझक जाता है क्यों आखिर। अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर इजहार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। और चार पंक्तियां पढ़ दो सुनेगा। कि तमाम उम्र तेरे एतवार की खातिर। क्या बात क्या बात क्या बात। तमाम उम्र तेरे एतवार की खातिर। तमाम उम्र तेरे एतवार की खातिर। जमाना छोड़ दिया जमाना छोड़ दिया। हाँ जमाना छोड़ दिया जमाना छोड़ दिया तेरे प्यार की खातिर। और सुनेगा मैं गर्म धूप में तपने न दूंगी सर तेरा। क्या बात है क्या बात। मैं गर्म धूप में तपने न दूंगी सर तेरा। मैं छांव बन के चलूं मैं छांव बन के चलूं। हाँ मैं छांव बन के चलो अपने यार की खातिर। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सभी की इजाजत है तो एक गीत पढ़ दो। हाँ मन है बताएं दोस्तों। तालियों से स्वागत करके इजाजत दे गीत की जी। आप सबकी इजाजत चाहती हूँ एक गीत पढ़ देती हूँ। एक नया गीत है सुनेगा कि गीत हम गुनगुनाने चले आए हैं। अच्छा मुखिया जी गीत हम गुनगुनाने चले आए हैं। शोर थोड़ा मचाने चले आए हैं। और धड़कने जिसके दिल की सुनी आज तक कि धड़कने जिसके दिल की सुनी आज तक उसको दिल में बसाने चले आए हैं। उसको दिल में बसाने चले आए हैं। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। गीत की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक लड़के की अभी अभी शादी होती है। सुनेगा थोड़ा शांति सुन। एक लड़के की शादी होती है और उसका पति परदेश चला जाता है बरसों बाद तक नहीं आता है तो उस लड़की पर क्या बीतती है। मेरा गीत वहीं से शुरू होता है तब मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा सभी लोग बैठे हुए हैं। आज मेरा मन है गीत आप तक पहुंचाने का क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। सुने मस्ती का गीत है मस्ती में सुनिए। सुने कि साजन आओ ना कि साजन आओ ना मेरे देश काहे हो परदेश। क्या बात है। परदेशों की तो हवा है बुरी। साजन आओ। वाह आप लोग तालियों के साथ तालियों के साथ सुने तब मजा आएगा। सुनेगा कि साजन आओ ना मेरे देश काहे हो परदेश। परदेशों की तो हवा है बुरी। साजन आओ ना गीत क्या बन पड़ते हैं। सुनेगा सुनेगा कि साजन आओ ना कि भरे हैं बादल नील गगन
अच्छा के भरे है बादल नील गगन में हवा चले मस्तानी और करवट बदल बदल कर साजन काटे रात दीवानी तेरे आने से सजिंग मेरे केस काहे हो परदेश क्या बात है विवाह हवा है बुरी साजन लाओ ना क्या बात है साजन लाओ ना आओ ना मेरे देश काहे हो परदेश परदेशों की तो हवा है बुरी साजन लाओ गीत का ये बंद पढ़ती हूँ सुनना है सुनिएगा कि साजन आओ ना सुने क्या बात कि छम 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 करे है पायल घुंघरू तुझे बुलाए क्या बात कि छम 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 करे है पायल घुंघरू तुझे बुलाए हज खन 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 करे है चूड़ी बैरन जान जलाए काजल आंखों का काजल आंखों का करे हरे कलेस काहे हो परदेश परदेशों की तो हवा है बुरी बहुत क्या अच्छी तर्जमानी कर रही है आओ ना मेरे देश अच्छा अच्छा काहे हो परदेश परदेशों की तो मोहतरमा आपकी गीत से गीत सुनने के बाद अंदाजा हो रहा है गरीबी ज्यादा बढ़ जाएगी कोई कमाने जाएगा भी नहीं मत रोकिए दुबई जाने दीजिए सऊदी जाने दीजिए उनको है कि नहीं भाई देखिए हाँ देखिए वो बात सही है लेकिन अपने वतन की बात ही कुछ अलग है जी जी तो ये बंद पढ़ती हूँ सुने इनायत यौवन मेरा बाट निहारे साजन जल्दी आ जा यौवन बाट निहारे रास्ता के यौवन मेरा बाट निहारे साजन जल्दी आ जा अरे नदी किनारे पास खड़ी हूँ आकर प्यास बुझा जा कैदी बन कर आ जा कैदी बन कर आ जा करूंगी तुझे कैद काहे हो परदेश परदेशों की तो हवा है बुरी साजन आओ ना ओ साजन आओ ना मेरे देश काहे हो परदेश परदेशों की तो हवा है बुरी साजन आओ ना गीत का अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ जितने भी लोग हैं सबकी तालियां चाहूंगी फिर मैं अपनी जगह लूंगी अभी नहीं एडवांस में पेमेंट मत करो रुक जाओ थोड़ा सुनिएगा गीत का अंतिम बंद रखती हूँ और अपने देश की अपने वतन की बात करूंगी अगर कैसा है मेरा देश तब तालियां बजाना सुनेगा कि साजन कि यहाँ के मुर्दे यहीं जलेंगे सुना है मैंने ऐसा कि यहाँ के मुर्दे यहीं जलेंगे सुना है मैंने ऐसा कि मुझको साजन नहीं चाहिए पैसा ऐसा वैसा तेरे परदेशों से तेरे परदेशों से प्यारा मेरा देश काहे हो वाह ये हिंदुस्तानी नारी है क्या बात है भाई वाह साजन आओ ना ओ साजन आओ ना मेरे देश काहे हो परदेश परदेश वाह अब आइए मैं लगे हाथ चाहता हूँ।